हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही सरल तरीके से केक। आप सभी की बहुत डिमांड थी कि मैं केक बताऊं और वो भी इजी तरीके से। तो आज की जो केक है वो इजी तो होगी ही, साथ के साथ हेल्दी भी होगी और इतनी टेस्टी कि इसके बाद आप हमेशा यही केक बनाना चाहेंगे, वो भी बिना माइक्रोवेव बिना ओवन। तो आज मैं बनाऊंगी चॉकलेट सेमोलिना केक, यानी चॉकलेट सूजी की केक, जिसमें हम किसी मैदा का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही कोई कठिन चीजों का। घर के ही सामान से इजीली बाजार जैसे टेस्ट की चॉकलेट केक एनी टाइम आप कुकर में बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा बर्तन या इस प्रकार का बाउल और उसमें हम डालेंगे एक कप बारीक वाली सूजी। ये सूजी मैंने बारीक वाली ली है, केक के लिए वही अच्छी रहती है। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो आप सूजी को मिक्सी में डाल करके एक बार अच्छे से बारीक कर लें। और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप मैदा। एक कप सेट कर लीजिए, उसी से दोनों चीज लीजिए, उसी कप से आप ले लें एक कप सूजी और आधा कप मैदा। और अब इसमें हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच कोको पाउडर। ये कोको पाउडर है, इस तरीके का डिब्बा मार्केट में मिलता है, बहुत ही इजीली किसी भी जनरल स्टोर ग्रोसरी स्टोर पर आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर होता है वो भी डाल सकते हैं, या बच्चों का कोई भी कॉम्प्लेन हॉर्लिक्स चॉकलेट वाले फ्लेवर का हो वो भी यहाँ पर यूज किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/4 कप। सबको बहुत कंफ्यूजन रहता है कप्स का, तो मैं इस स्पून का मेजरमेंट ले लेती हूँ। इससे हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच और अब इसमें हम डालेंगे आधा कप शुगर पाउडर। चीनी को मिक्सी में पीस लें, पाउडर आपका तैयार है। तो ये भी हम इसी स्पून से डाल लेते हैं और ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 8 बड़े चम्मच ये चीनी का पाउडर है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ अपने मन के ड्राई फ्रूट्स, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लाइक करते हैं तो आप डालें। मैंने यहाँ काजू और बादाम लिए हैं, ऑलमोस्ट 2 बड़े चम्मच है। अगर आप ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना चाहते तो यहाँ पर आप टूटी फ्रूटी जो मिलती है मार्केट में वो भी यहाँ यूज कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी यूज कर ले। मुझे ड्राई फ्रूट्स की पसंद है तो मैं ड्राई फ्रूट डाल लेती हूँ। अब इसमें हम डालेंगे 1 पिंच नमक। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल ले लें, आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं मेल्ट करके, या बटर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अच्छे से सभी चीजों को एक बिस्कर या स्पून की मदद से आप मिक्स करें और अब इसमें हम डालेंगे आधा कप दही यानी कर्ड। तो इसको एक साथ नहीं डालिए, थोड़ा थोड़ा करके डालिए और मिक्स करते जाइए। ये मैंने लिया है 3/4 कप उबला हुआ दूध, लेकिन बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर है। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मैंने बैटर को मिक्स कर लिया है। 1/3 कप दूध को मैंने बचा लिया है, इसे हम बाद में यूज करेंगे क्योंकि सूजी फूलती है, अब्सॉर्ब करती है, तो जब ये फूलेगी और गाढ़ी हो जाएगी तब हम उसको बैलेंस करने के लिए बचे हुए दूध का यूज करेंगे। तो इस तरह से बढ़िया से पूरे बैटर को आप फेंट लें और सभी चीज मिक्स करने के बाद अब हम इसको करीबन 20 से 25 मिनट के लिए ढक करके सेट होने के लिए रख देंगे और हम तैयारी करते हैं हमारा केक टिन की। अब केक को बेक करने के लिए मैंने यहाँ लिया है इस तरीके का केक टिन, आप स्टील का भी ले सकते हैं, आपके पास जो भी बर्तन है आप उसमें केक इजीली बना सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ बूंद ऑयल की और केक टिन को बढ़िया से ग्रीस करेंगे। और अब मैं इसमें लगा रही हूँ 1 बटर पेपर जिससे केक हमारी इजीली डीमोल्ड हो जाए। जरूरत नहीं होती है, आप बिना बटर पेपर के भी केक को इसी तरह से ग्रीस्ड बर्तन में डाल दें तो भी आपकी इजीली निकल जाएगी। और हल्का सा हम बटर पेपर को भी ग्रीस कर देंगे। तो चलिए टिन हो गया तैयार और अब तैयार करते हैं हमारा कुकर। गैस पर आप एक कुकर चढ़ाइए और ये मैंने लिया है 1 कप नमक, सिंपल नमक जो हम खाने में खाते हैं। 1 कप नमक को आप इस तरीके से कुकर के बेस में बिछा दीजिए। नमक इसलिए जरूरी है डालना, इससे पूरी बेकिंग इवनली होती है, बिल्कुल आपका कुकर फिर ओवन जैसा काम करता है। और इस नमक को जब आप यूज कर लें यानी जब आपकी केक तैयार हो जाए वापस डिब्बे में भर करके रख लें, फिर जितनी बार भी आप आगे बेकिंग करते हैं आप कई बार इस नमक को यूज कर सकते हैं। तो गैस को कर देते हैं ऑन और मीडियम फ्लेम पर हम कुकर को 10 मिनट बिल्कुल गर्म करेंगे। तो हम इसके ऊपर लगाएंगे लिड और कुकर के लिड पर आपको ना ही रबड़ लगानी है, रबड़ आप हटा दें, और ना ही आपको विसिल लगानी है यानी सीटी भी हटा दें, और इसको इस तरह बंद करके आप 10 मिनट अच्छी तरीके से कुकर को गर्म होने दें जिससे कि ये ओवन की तरह काम करे। तो चलिए बैटर को चेक कर लेते हैं और ये देखिए अच्छे से सूजी फूल गई है और अभी ये बैटर
थोड़ा थिक है, तो जो हमने दूध बचाया था उसको अब हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को बिल्कुल परफेक्ट करेंगे जैसे एक केक बैटर की होती है। आप बिल्कुल जरूरत के अनुसार ही दूध को ऐड करें। ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह होनी चाहिए। जैसे आप इसको ड्रॉप करें तो ये नीचे आप देख रहे हैं रिबन से बन रहे हैं, इस तरीके का बनना चाहिए। बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत गाढ़ा। और इस स्पैटुला पे भी आप देख सकते हैं इसकी कोटिंग है, तो इसका मतलब ये हमारा बैटर परफेक्ट है। 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी खाना सोडा सभी के घर में रहता है और बहुत सारे पकौड़े समोसे बहुत चीजों में हम इसको यूज करते हैं। और 1 छोटी चम्मच इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, जो आप केक वगैरह में यूज करते हैं बेकिंग चीजों में, तो वो हमें डालना होगा 1 छोटी चम्मच। बेकिंग पाउडर का डिब्बा बहुत ही इजीली आपको किसी भी सुपरमार्केट में मिल जाएगा। अब बिल्कुल हल्के हाथ से इन दोनों चीजों को हम फोल्ड करेंगे। याद रखिए बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर जिस वक्त हमें बेक करनी है तभी डालना है। अब इस बैटर को हम बिल्कुल रखेंगे नहीं, हमें तुरंत ही इसको बेक करना है। आप जैसे मिलाते जाएंगे आप देखेंगे कि हल्का फ्लफ हो रहा है, बहुत तेज तेज बिल्कुल नहीं मिलाना है, बिल्कुल लाइटली जेंटली। तो ये लीजिए हमने मिक्स कर लिया, अब इसको डालते हैं केक टिन में। तो हमारा केक टिन भी तैयार है, अब इसमें हम सारे बैटर को डाल देंगे। और ये देखिए मैंने बैटर को टिन में ट्रांसफर कर लिया है। हल्के से हम इसको टैप करेंगे जिससे कि एयर बबल अच्छे से इसमें बिल्कुल हट जाए और सेट हो जाए। और ये देखिए मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है टूटी फ्रूटी और कुछ बादाम और काजू से। तो चलिए अब इसको रखते हैं कुकर में। 10 मिनट हो चुके हैं, अच्छा गर्म हो गया है, फ्लेम को लो कर देते हैं। और बहुत हीट है कुकर में इसलिए हमें सब काम सावधानी से करना होगा। अब हम कुकर में एक इस तरीके का कोई भी स्टैंड ले लीजिए, या आप कटोरी को उल्टा करके भी रख सकते हैं। इस स्टैंड को बीच में लगा देते हैं और इसके ऊपर हम लगाएंगे हमारा केक टिन। आपको संभल के करना होगा जिससे हाथ ना चले। अब मैंने इसके ऊपर केक टिन लगा दिया है, अब हम लिड को इसी तरीके से लगाएंगे, ना ही विसल यूज करेंगे और ना ही रबर। 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसको इसी तरीके से बेक होने देंगे और 10 मिनट के बाद हम लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको 20 मिनट और पकाएंगे। फिर हम चेक करेंगे कि हमारी केक तैयार है या नहीं। 10 मिनट हो गए हैं तो फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देते हैं, यानी लो टू मीडियम फ्लेम के बीच में रखेंगे और अब इसको 20-22 मिनट और इसको कुक होने देंगे, अच्छे से बेक होने देंगे। लगभग 30-35 मिनट्स हो चुके हैं, तो एक बार केक को चेक कर लेते हैं। वाओ, देखिए कितना बढ़िया हमारी स्पॉन्ज केक बनी है। इसको मैं एक टूथपिक लेती हूँ या आप एक नाइफ ले लें और इस तरीके से बीच में डालकर देखें। अगर टूथपिक आपकी क्लीन आए, देखिए टूथपिक एकदम क्लीन है, इसका मतलब केक बिल्कुल बढ़िया बेक हो चुका है। यहाँ मैं कुछ चीज और बता देती हूँ। जैसे मेरी केक में लगभग 34-35 मिनट्स इसको पूरा बेक होने में लगे हैं। केक बेक होने में डिपेंड करता है बर्नर की फ्लेम का और कुकर के साइज का। तो हो सकता है आपका 20-25 मिनट में भी हो जाए, हो सकता है कि 40 मिनट भी लग जाए, तो आप बीच में 1-2 बार ही चेक जरूर कर लें, क्योंकि सभी के बर्नर्स की फ्लेम डिफरेंट होती है और साइज भी डिफरेंट होते हैं कुकर के, तो वैसा ही टाइम लगता है। तो अब मैं गैस को ऑफ करती हूँ और इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह से कुकर में छोड़ देते हैं जिससे ये थोड़ा सा ठंडी हो जाए और फिर हम इसको निकालें। तो 5 मिनट हो चुके हैं, मैं केक को निकाल लेती हूँ और अब केक को थोड़ा ठंडा होने देते हैं और फिर केक टिन से हम इस केक को निकालेंगे। हमारी बहुत ही बढ़िया चॉकलेट सूजी केक अब ठंडी हो गई है। एक नाइफ की मदद से हम हल्के से इसके चारों तरफ इस तरह से घुमाएंगे जिससे ये अलग हो जाए टिन से। और बस अब इसके ऊपर रखते हैं एक इस तरह से प्लेट और प्लेट को अब हम टर्न करेंगे, हल्के से टैप करेंगे। वाओ, और इसके ऊपर का जो बटर पेपर है उसको भी हटा देते हैं। और ये देखिए मुझे कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं, क्या बढ़िया इसका स्पॉन्ज आया है। ये देखिए एकदम फ्लफी और सॉफ्ट, एकदम जालीदार हमारी स्पॉन्जी केक बनी है। अब मैं इसको टर्न करती हूँ, ब्यूटीफुल। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है आपकी झटपट बनने वाली, वो भी बिना ओवन के, नो मैदा नो बटर और एगलेस
चॉकलेट सूजी केक। क्या आपने सोचा था कि इतनी बढ़िया सूजी से आप केक बना सकते हैं? खाने में कोई बता ही नहीं सकता कि ये सूजी से बनी है, इतना बढ़िया फ्लेवर और इतनी स्पॉन्जी। मैंने नीचे से आपको दिखा दिया और ऊपर से भी ये इतनी टेस्टी और इतनी सॉफ्ट बनी है। कुछ चीजें मैं और बता देती हूँ, ये मैंने कुकर में बनाई है। अगर आप इसको माइक्रोवेव में बनाना चाहते हैं तो आप माइक्रोवेव में 180 डिग्री सेल्सियस के लिए आप लगभग 35 टू 40 मिनट्स के लिए इसको बेक करें। और मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा और इसको अट्रैक्टिव लुक देने के लिए चॉकलेट सिरप थोड़ा सा डाल लिया है। आप अपनी चॉइस से इसको डेकोरेट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसके ऊपर आइसिंग शुगर भी डाल सकते हैं। तो अब मैं इसको करती हूँ कट और ये लीजिए हमारा बहुत ही स्पॉन्जी और यमी सेमोलिना चॉकलेट केक। और ये देखिए, मैं आपको इसका स्पॉन्ज दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट बना है। और आप जब बनाएंगे बच्चों को देंगे तो बच्चे पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये सूजी से बना हुआ केक है, वो भी चॉकलेट वाला। जरूर ट्राई कीजिए, एकदम बाजार जैसा बढ़िया स्पॉन्जी केक बनता है और इसमें हमने कुछ भी हार्मफुल नहीं डाला है। मुझे उम्मीद है कि एगलेस चॉकलेट सूजी केक की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमेशा की तरह लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सभी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में बनी बेल बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आप आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले देख पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।